13.7 का क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 सेज इन अ ट्रायंगल एबीसी एंड क्वेश्चन 7। अच्छा तो क्वेश्चन 7 भी है, उसको भी देख लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल हूज साइड्स आर 5, 12 एंड 13। अच्छा ठीक है, देखते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, साइड्स क्या है? 5, 12, 13। अब उसे रिवॉल्व कहाँ गया है? उसे रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर। तो जो 5 सेंटीमीटर है इस पे रिवॉल्व कराया गया है, ठीक है, इस पे रिवॉल्व कराया गया है। तो अच्छा, ये 5 सेंटीमीटर है एंड ये 13 है एंड ये 12 है एंड ये 90 है, तो ये क्या फॉर्म करेगा? ये एक तरीके से एक कोन फॉर्म करेगा, ठीक है। अगर हम इसे रोटेट करेंगे तो ये कोन फॉर्म करेगा, कोन जिसकी हाइट 5 सेंटीमीटर होगी, बिकॉज हमने उसके अराउंड रोटेट करा है, ठीक है, एंड जिसका रेडियस 12 होगा एंड स्लैंट हाइट 13 होगी, ठीक है। यस सर, ठीक है, तो इन्होंने कहा है देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन, ठीक है। इसकी वॉल्यूम फाइंड करनी है आपको। वॉल्यूम के लिए हमें क्या करना है? वॉल्यूम के लिए हमें, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है कोन की वॉल्यूम का? वॉल्यूम सब ऑफ 1/3 πr² आयर स्क्वायर एच। यस हाँ, सर, 1/3 πr² h। ओके, सो इसका एरिया निकाल लेते हैं। दिस इज 1/3 × 22/7 इंटू आर रेडियस कितना है? 12 12 इंटू 12 इंटू हाइट कितनी है? 5। सर, 5 ओके, तो बस ये कैलकुलेट कर लोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है दक्ष? यस सर, यस सर, ठीक है सर। ओके, एंड इसके बाद जो भी इसका आंसर आएगा और जो 7 में आंसर आएगा उन दोनों को डिवाइड कर देना। जो आंसर 7 आया होगा और जो आंसर 8 आया होगा उन्हें डिवाइड कर देना, आपके पास रेशियो आ जाएगा। ये रेशियो होगा। ओके, नेक्स्ट डाउट इस एक्सरसाइज में कोई और नहीं? ओके, नहीं 13.8 के डाउट्स बता दो। क्वेश्चन आपको इलेवन बताना भूल गया था सिक्स सर, मेरा फेब फर्स्ट वीक से वो शुरू हो रहे हैं फाइनल टर्म्स। फाइनल्स। ओके, सर, मुझे एक बार मेरे 18 से हो रहा है, 18 फेब्रवरी। मुझे डेट शीट भेज दो प्लीज, ग्रुप पे ही भेज देना। अच्छा, डेट शीट नहीं मिल रही बट ऐसे ही पता चला बस। चलो ठीक है, कब से आपके शुरू हो रहे हैं? एक सेकंड रुक जाओ। सर फेब फर्स्ट वीक सर। ओके, अंदर आपके सर फेब्रुअरी 18। February 18th। ओके, एक सेकेंड। शिवांश इज फर्स्ट वीक ऑफ, सिलेबस जैसे ही मिले आप दोनों मुझे भेज देना। लक्ष्य आपको भी डेट शीट नहीं मिली अभी? नो सर, सिर्फ वो मिला कहाँ से, कब स्टार्ट होंगे? ठीक है, 18th फेब से आपके एग्जाम स्टार्ट। ऐसे ही आप लोग को सिलेबस एंड एवरीथिंग मिले मुझे भेज देना। ओके, किसी ने चार्ट में कुछ लिखा है सर? क्वेश्चन 6 एंड 9, 3 एंड 4। ओके, 3, 4, 6, 9, 13.8 के डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं पहले। ओके, 3, द डायमीटर ऑफ अ मेटालिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। ओके, वॉट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ मेटल इज 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सबसे पहले हमें डायमीटर दे रखा है, हम वॉल्यूम ऑफ स्फेयर निकाल लेते हैं, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज 4 πr³, करेक्ट? सर 4/3 है। सर हाँ, गुड। तो 4 πr² सरफेस एरिया होता है, जब हम वॉल्यूम निकालते हैं तो हमें याद रखना 4/3 πr³ आएगा, ठीक है। तो दिस इज टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया स्फेयर का 2 πr², ठीक है। स्फेयर का कर्व्ड और टोटल तो सेम होता है हाँ सर, वो दिया ही नहीं हुआ बुक में क्या? सर, बुक में नहीं दे रखा क्या नहीं दे रखा? सर, सी का सीरियस नहीं दे रखा इसलिए ना। नहीं दे रखा क्योंकि वो सेम है टोटल सब। नेक्स्ट एक स्फेयर की सारी साइड्स तो कर्व्ड ही होती है, तो
तो उसका जो टोटल सरफेस एरिया है वही कर्व सरफेस एरिया ही होगा। हेमिस्फेयर में डिफरेंस होता है, हेमिस्फेयर दोनों ही दे रखे, दोनों ही नहीं दे रखे मेरे को नहीं देखे। अच्छा कोई नहीं, यहाँ दे देख लो। तो हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया इज 3πr² एंड सी एस ए इज 2πr², ठीक है। अच्छा अगर हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात करें, स्फीयर का वॉल्यूम हमने देखा अभी 4/3πr³ है एंड हेमिस्फीयर का वॉल्यूम इज 2/3πr³। ओके याद रखना yes, सर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3πr³ है, तो 4 × 3 × 22/7 × r कितना दे रखा है, 4.2/2 बिकॉज डायमीटर दे रखा है हमें 4.2, तो हम लिखेंगे 4.2 डिवाइड बाय 2, हाँ 2.1 इसका होल स्क्वायर, और सिंपली 4/3 होल क्यूब × 22/7 × 2.1 होल क्यूब। ठीक है, सिंप्लीफाई कर देते हैं, 4/3 × 22/7 × 21 × 21 × 21 डिवाइडेड बाय तीनों जीरोस 1, 1, 2, 3। ठीक है, तो 7, 3, 21, 3 से 3 कट गए। ठीक है, आपको सिंपली क्या कैलकुलेट करना है, 4 × 22 × 21 × 21 ठीक है डिवाइडेड बाय 1, 1, 2, 3। ठीक है, ये कैलकुलेट करोगे आपके पास आंसर आएगा कितना आ रहा है इसे कैलकुलेट करके, जल्दी बताओ सर। 38.808 cm³ 38.808 cm³। ठीक है, 808 है तो फिर 81 ले लेते हैं सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम आ गया। अब हमें बोला गया है डेंसिटी इज 8.9 g/cm³, तो मतलब इसमें 8.9 g अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इनटू 8.9, ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ बॉल। तो सिंपली जो भी डेंसिटी दे रखी है उसे आपको मल्टीप्लाई करना है वॉल्यूम से, तो आपके पास मास आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डाउट। नेक्स्ट डाउट वाज क्या था, तब मेरी वॉल्यूम तो अलग आ रही है, फोर अलग आ रही है आपकी वॉल्यूम? यस सर। क्या आ रही है आपकी, तब मेरी तो 38.808 आ रही है। हाँ, एक ही तो बात है, 38.808 मतलब अप्रोक्सीमेशन अगर मुझे करनी है दो पॉइंट तक, तो 38.81 ही तो करूंगा, अप्रोक्सीमेट करा ना मैंने। सर वो तो पूरा कट हो रहा था ना, कट हो रहा है वो, तो ठीक है फिर कट हो रहा है तो रहने दो फिर ऐसे। यस सर, कट हो रहा है तो उससे बेटर है कि आप इसी स्टेज पे मान लो आपके पास ये जो आंसर आ रहा है इनटू आप क्या करो, ठीक है, इनटू आप 8.9 है ना, तो 8.9/10 कर दो, ठीक है, तो डायरेक्टली आपके पास मास यहाँ पे इसी स्टेज पे आ जाएगा। ठीक है, तो सीधा एक बार में मल्टीप्लाई करके आंसर निकल गया। मास के लिए 8.9 × 38.808 की है। हाँ जो भी है, तो आंसर कितना आ रहा है आप लोगों का, 345.3912 ओके 345.3912 ठीक है, ग्राम दो पॉइंट से काफी होते हैं, चार पॉइंट की जरूरत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सब बुक में पीछे आंसर अप्रोक्स करके दिए, तो हमें भी करना है। हाँ, आप भी अप्रोक्स कर लिया करो, मतलब जैसे मैंने भी 3 लिखा ना यहाँ पे, तो आप कर सकते हो उतना, या फिर इसको आप सीधा 345 मत लिखना, बस दो पॉइंट तक अप्रोक्सीमेट कर देना, दो पॉइंट तक करना है, अप टू 2 पॉइंट्स। ओके सर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट वॉज कौन सा क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखते हैं। The diameter of moon is approximately 1/4 the diameter of earth. What fraction of the volume of earth is the volume of moon? ठीक है, चलो ठीक है। तो हमें सबसे पहले किसका रेशियो निकालना है, हमें गिवन क्या है देखते हैं। डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 द डायमीटर ऑफ अर्थ, ठीक है, तो जो डायमीटर ऑफ मून है दैट इज 1/4 द डायमीटर ऑफ अर्थ। ठीक है, इसका मतलब रेडियस ऑफ मून विल ऑल्सो बी 1/4 ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, करेक्ट? Yes, sir. है ना, क्योंकि ये भी d/2 हो जाएगा, ये भी d/2 हो जाएगा, 2 2 कट जाएंगे, तो ये चीज तो हमें पता है, ये रहेगी। अच्छा, हमें वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ मून। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या फ्रैक्शन, अगर मुझे फ्रैक्शन निकालना है मतलब अर्थ का,
ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ का क्या फ्रैक्शन वॉल्यूम ऑफ मून है, मतलब मैं वॉल्यूम ऑफ मून डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ करूंगा, मुझे ये निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ मून इज 4/3 pi, मान लेते हैं कैपिटल आर, स्मॉल आर लेते हैं मून की रेडियस को, तो स्मॉल आर क्यूब डिवाइडेड बाय 4/3 pi कैपिटल आर क्यूब, ठीक है करेक्ट। तो हमें पता है दिस इज 4/3 pi, 4/3 pi कट गए, तो सिंपली रेडियस ऑफ मून क्यूब डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ क्यूब शुड बी आर आंसर। तो रेडियस ऑफ मून क्या है देखते हैं, रेडियस ऑफ मून इज 1/4 रेडियस ऑफ अर्थ, तो 1/4 रेडियस ऑफ अर्थ होल क्यूब डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ क्यूब, ठीक है। 1/4 का होल क्यूब कितना हुआ, 1/64 r रेडियस ऑफ अर्थ क्यूब डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ क्यूब, ये दोनों कट गए तो 1/64, मतलब द वॉल्यूम ऑफ मून वुड बी वॉल्यूम ऑफ मून इज 1/64 वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ठीक है क्लियर है सबको इतना? यस सर। यस सर। ओके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वी हैव फोर्थ की बात कर रहे हैं, सिक्स्थ एंड नाइन्थ ना? यस सर। ओके सिक्स्थ देखते हैं। Hemispherical tank is made up of iron sheet 1 centimeter thick. If the inner radius is 1 meter, find the volume of iron used to make the tank. ठीक है, तो एक hemispherical tank है, एक hemispherical tank है जिसका inner radius कितना है, inner radius दे रखा है, बताओ बताओ सर। 1 meter, ठीक है 1 meter, एंड रेडियस दे रखा है 1 centimeter, ठीक है अच्छा। इफ द इनर रेडियस इज 1 meter, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड टू मेक दिस टैंक। ओके वॉल्यूम निकालिए, मतलब मुझे आउटर वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फीयर करना है, ठीक है। अब इसमें मैं सेंटीमीटर्स में ही कर देता हूं सबको कन्वर्ट, दिस इज 100 centimeters, 1 meter और 100 centimeter, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फीयर इज 2/3 pi r³, ठीक है। मान लेते हैं आउटर में कैपिटल आर ले लेता हूं, ठीक है, एंड इनर में स्मॉल आर ले लेता हूँ, 2/3 pi r³, ठीक है। 2/3 pi कॉमन ले लेते हैं, तो कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, ठीक है। 2/3 × 22/7 × r³, अच्छा कैपिटल आर कितना हो जाएगा, 100 centimeter + 1 centimeter विच इज 101, ठीक है, माइनस 101³ - 99 विच इज 100, ठीक है। तो 101 एक सेंटीमीटर ऐड हुआ है ना इसमें, यस सर यस सर। हाँ तो 100 101 - 100³, तो 2/3 × 22/7 ×, अब ये देखते हैं a³ - b³ इज a, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे अगर किसी को नहीं याद हो तो, a³ - b³ इज a - b, a² + b² + ab, अच्छा तो फॉर्मूला लगाते हैं 101 - 100 × 100² + 101² + 101 × 100, ठीक है अच्छा। 100 - 101 - 100 इज अगेन 1, तो सिंपली 2/3 × 22/7 इंटू 100² इज 1000 + 101² कितना होगा,
जीरो वन स्क्वायर होता है जल्दी सर, हम सीधा सीधा इनका क्यूब नहीं कर सकते? क्या क्यूब कर लो, सीधा निकाल लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब एक ही बात है। यस सर, सीधा क्यूब करके निकाल लो तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 101 क्यूब कितना है? 10201। ये तो स्क्वायर है गैस, क्यूब तो नहीं सर, क्यूब निकालना है। चलो स्क्वायर निकाल दो, प्लस 10000, ठीक है, प्लस 101 into 100 इज 10100, ठीक है, इन तीनों को ऐड करते हैं कितना आएगा, दिस इज 10201, 10000 एंड 10100, तो दिस इज 30301, करेक्ट? यस सर, ठीक है। अब 7 से काटने की कोशिश करते हैं, इसे देखते हैं जाएगा नहीं जाएगा। 7 4 28, ओके, तो दिस इज 23, 7 2 14, ओके, कितना बचा, डिवाइड करना है इसे एक बार, 21 आएगा, 7 3 से हो जाएगा ना, 7 3 से हो जाएगा, 7 3 21, 4 3 21, 20, तो 7 सर 2 से हो जाएगा, एक सेकंड रुक जा सर, 4 3 2, 4 3 2, बस काफी है, I don't think so, चेक करो एक बार, 4 3 2 आगे, इसको मल्टीप्लाई कर लो एंड देन फाइनल डिवाइड कर लो। एक्यूरेसी हमेशा अच्छी रहे इसके लिए हमेशा क्या करा करो, पहले मल्टीप्लाई करा करो फिर डिवाइड करा करो, बहुत बार बोलता हूँ मैं, बट इन एनी केस पहले 30301 से 44 मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करना 21 से, ठीक है, 3 से कट रहा है क्या? अगर बड़ी कैलकुलेशन हो तो क्या करना है? बड़ी कैलकुलेशन हो मतलब? मतलब बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो। कितनी बड़ी कैलकुलेशन हो हमेशा आदत रखो कि पहले मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो, हमेशा एक्यूरेसी तुम्हारी बहुत बेटर होगी कंपैरेटिवली। अगर और इन एनी केस मान लो तुम्हारा आंसर आता है 5.628 एंड देन इसके बाद भी तुम्हें और मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इनटू 25 या फिर डिवाइड बाय 25, तो फायदा नहीं हुआ, तो पहले डिवाइड करेंगे फायदा नहीं होता, पहले मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लिकेशंस आर ऑलवेज मच बेटर एंड मच इजियर, तो पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर डिवाइड कर लो। ओके सर, आंसर बताओ सर क्या आ रहा है? सर ये सॉल्व करते ही वो आंसर आ जाएगा जो क्वेश्चन में पूछा है। हाँ एक सेकेंड, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, वॉल्यूम रिक्वायर्ड, एक सेकेंड, हाँ आ जाएगा आंसर, सर कैलकुलेट में खुद कर लूंगा बाद में, ठीक, एक बार पीछे से चेक करो, मैं एक बार चेक करता हूँ आंसर उसका, इसका आएगा आंसर एक सेकेंड, चेक करना आंसर पीछे एक बार, पीछे मीटर क्यूब में 0.06348, 1 2 3 4 5 6, एक और जीरो तो 0.063, इन्होंने इतने सारे पॉइंट्स हटा दिए, मीटर क्यूब 6 पॉइंट शिफ्ट करेंगे ना, देखो मीटर क्यूब है 1 meter is equals to 100 centimeter, तो 1 meter cube is equals to 100 कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब,
तो मुझे 6 पॉइंट शिफ्ट करने पड़ेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो कि नहीं एग्जिस्ट करता है एक और पॉइंट, तो 0 लगा दिया, 0.63 मीटर क्यूब, इसलिए आंसर दे रखा है। मीटर्स में करते तो भी आपका आंसर सही रहता है, मीटर्स में बस आपको क्या करना पड़ता है, मीटर्स में आप करते 1.01 ठीक है माइनस 1 इसको करते आप, ठीक है, तो उससे भी आंसर आ जाता है। यस सर, मैंने ऐसे किया। यस सर, इससे भी आ जाता आंसर, सही आएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पहली बात एंड सर्फेस एरिया मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फीयर, ठीक है, पहली बात मेल्ट करा गया है तो मैं पहले वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर लेता हूँ, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर कितना हो जाएगा, 4/3 πr³, करेक्ट? यस सर, यस सर। अच्छा ये कितने लिए, दिस शुड बी इक्वल 4/3 πr³ into, ठीक है, 4/3 πr³ into 27 is equals to बड़े वाले का वॉल्यूम 4/3 πr³, ठीक है, तो 4/3 πr³ तो कट गए, ठीक है, तो r³ into 27 is equals to r³, ठीक है, r³ into 3³ is equals to r³, ठीक है, तो 3r³ is equals to r³, तो r कितना आ गया, 3r, करेक्ट? यस सर, ओके, अब देखते रेडियस ऑफ द न्यू स्फीयर इज 3 times द रेडियस ऑफ होल स्फीयर, रेशियो ऑफ s एंड s', तो पहले s निकालते हैं, s इज वॉल्यूम ऑफ सॉरी सरफेस एरिया है, ठीक है, तो दिस इज 4πr², ठीक है, s डैश कितना है बड़े वाले का, तो 4πr² सॉरी स्क्वायर नॉट क्यूब, तो r² अगर मुझे रेशियो निकालना है, किसका निकालना है, रेशियो ऑफ s एंड s', तो s अपॉन s' निकालते हैं, सर, तो 4πr², हाँ बोलो सर, हम r' को r की टर्म्स में नहीं लिखेंगे, वही लिखेंगे अभी कर रहे हैं, तो 4π से 4π कट के हमारा आंसर है r² / r′² अब r' की वैल्यू में पता है 3r है, तो r² / 3r² ठीक है, दिस इज r² / 3² इज 9, r² से r² कट गए, 1:9 रेशियो इज 1:9, ठीक है, ओके सर, समझ आ गया, और कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर, नो सर, तो ये हो गया एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज थी, 13.8, अब चलते हैं 13.9 पे, लास्ट एक्सरसाइज 13.9, ओके, अ वुडन बुकशेल्फ हैज एक्सटर्नल डायमेंशन एज फॉलोस, कौन सा डाउट कौन सा है इसमें, तीनों ही करा दो, ठीक है तीनों ही करा दो, पहला देखते हैं, अ वुडन बुकशेल्फ हैज एक्सटर्नल डायमेंशन एज फॉलोस, हाइट इज 110 सेंटीमीटर, डेप्थ इज 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 85 सेंटीमीटर, ओके, द थिकनेस ऑफ द प्लैंक 5 सेंटीमीटर एवरीवेयर, ओके, बुकशेल्फ देखते हैं एक्सटर्नल डायमेंशन क्या दे रखे हैं, 110, ठीक है, उसके बाद ब्रेथ क्या दे रखी है, ब्रेथ इज 85, एंड देन फाइनली हाइट, डेप्थ और हाइट इज 25, ये दे रखी है आपको 25, ठीक है, सेंटीमीटर्स में है सब, ओके, सेंटीमीटर, ओके,
अब हमें क्या निकालना है, थिकनेस ऑफ प्लैंक इज 5 सेंटीमीटर एवरीवेयर, ठीक है 5 सेंटीमीटर है थिकनेस है जो प्लैंक की, 5 सेंटीमीटर एवरीवेयर है ओके। एक्सटर्नल फेसेस आर टू बी पॉलिश एंड देन इंटरनल इनर फेसेस आर टू बी पेंटेड, इफ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज 20 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर द रेट ऑफ पेंटिंग इज एंड द टोटल एक्सपेंसेस। अच्छा ठीक है, इन्होंने ये बता रखा है कि ये इनके सेक्शन से डिफरेंट नहीं ना? नो सर। हाँ तो आई डोंट थिंक इसमें सेक्शंस का मतलब है कोई, बिकॉज दैट विल चेंज द क्वेश्चन अ लिटिल बिट, बट प्लैंक इज 5 सेंटीमीटर एवरीवेयर। आई डोंट थिंक उस दे रखा है तो हम यूज करेंगे। ओके चलो ठीक है ट्राई करते हैं। पहली बात एक्सटर्नल सर्फेस एरिया निकाल लेते हैं, एक्सटर्नल सर्फेस एरिया ठीक है, दिस इज सिंपली द सर्फेस एरिया ऑफ, सर्फेस एरिया किसका, सबसे पहले हम निकालते हैं सर्फेस एरिया ऑफ एक्सटर्नल कैबिनेट है, देखो ध्यान से देखो बुकशेल्फ है मतलब फ्रंट पार्ट तो नहीं है ठीक है, तो हम कल निकाल लेते हैं सी एस ए ठीक है, प्लस हम क्या कर देते हैं सी एस ए प्लस हम एक फेस निकाल लेते हैं और ठीक है, एक फेस और की निकाल लेते हैं, प्लस एरिया ऑफ पा ठीक है, इसमें हम ऐड करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे हमें एक्सटर्नल, ध्यान से देखो तो थिकनेस इज प्राइम से एक्सटर्नल फेसेस आर टू बी पॉलिश्ड ठीक है, तो एक्सटर्नल फेस में आई गेस तो आना चाहिए बट ठीक है देखते हैं, पहले निकाल लेते हैं फिर चेक करूंगा मैं आता ही नहीं आता, विल सी अबाउट दैट एक सेकंड रुको। ओके तो सी एस ए निकालते हैं सबसे पहले, सी एस ए इज सी एस ए क्या होगा देखो 2LH plus BH, हाँ 2LH plus BH ठीक है, प्लस एरिया ऑफ बैक इज L into LB B, तो दिस इज 2 into L कितना है 110 into H is 25 plus B कितना है 85 into H is again 25 ओके, प्लस अब उन्होंने हाइट और डेप्थ अलग अलग दी है, क्या हाइट और डेप्थ अलग अलग दी है? यस सर। हाँ तो डेप्थ और हाइट अलग ही तो है, हाइट तो लेंथ हो गई, हाइट को लेंथ, इस केस में हम हाइट को लेंथ ले रहे हैं ठीक है, डेप्थ को क्या ले रहे हैं हम हाइट ठीक है, एंड देन जो इसने ब्रेथ दे रखी है उसको तो ब्रेथ ही ले रहे हैं ओके या डेप्थ को अगर लेंथ ले लेते तो भी क्वेश्चन में इतना कोई डिफरेंस नहीं आता, बस आपको फेसेस का ध्यान रखना होता है वो मैं हमेशा ही कहता हूँ ठीक है, 2 into 25 110 प्लस 85 कितना हुआ जल्दी तो क्या 110 प्लस 85 कितना हुआ 195 ठीक है, प्लस 110 into 85 is सो कट रहा हूँ आसान है तो 9350 क्या 9350 आया ओके, आठ 2 into 25 is 50 into 195, 5 into 195 is 9750 plus 9350 कितना है 1910 I have a little doubt कि क्या ये वाला area भी हम external में include करेंगे, but अभी answer check करते हैं फिर we'll figure out उन्होंने करा या नहीं करा, वैसे technically तो होना चाहिए anyways, तो next step करते हैं internal, ये क्या है इसे हमें क्या करना है polish करना है, external है polish करना है, तो polish की cost क्या है 19100 into 20 जो कि पॉलिशिंग की कॉस्ट है करेक्ट, 20 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ये सारा सेंटीमीटर स्क्वायर में ही है ओके, तो दिस इज 19100 into 20 कितना हुआ है सर बोलो बोलो सर हम फ्रंट फेस का एरिया नहीं निकालेंगे, फ्रंट का निकालेंगे अभी रुक जाओ, तो यही कह रहा ना इसका एरिया, मैं यही तो कह रहा हूँ इनका एरिया इसने निकाल रखा है,
सिंपली सी इसमें क्या होगा कि आपकी 5 सेंटीमीटर, ध्यान से देखो, मुझे बस फ्रंट का अगर एरिया एक्सटर्नल में ऐड करना है, कैबिनेट अगर ऐसा दिख रहा है, ठीक है, आई डोंट नो इन्होंने कैबिनेट ऐसा क्यों बनाया, विच इज द रीजन फॉर द कंफ्यूजन, बट अगर मैं मान अज्यूम करते हैं ऐसा कैबिनेट है। अच्छा, ये लेंथ कितनी है, 5, ठीक है, ये 5 लेंथ है, करेक्ट। तो इंटरनल डायमेंशन क्या हो जाएंगे, इंटरनल हाइट हो जाएगी, दोनों ऊपर नीचे से 5 माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो 110 में से ऊपर नीचे 5 माइनस करूं तो 100 आ जाएगा, तो उसकी लेंथ 100 आ गई। एंड देन ब्रेथ कितनी, 85 है, दोनों साइड से 5 माइनस कर दो तो दिस इज 75, तो 100 क्रॉस 75 का अंदर वाला रेक्टेंगल है, एंड बाहर वाला रेक्टेंगल क्या है, बाहर वाला रेक्टेंगल 110 इंटू 85, ठीक है, माइनस 100 इंटू 75, ये कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, जल्दी बेटा, 9350 माइनस 7500 कितना हुआ, 1850, ठीक है, तो 1850 भी एरिया है जिसे हमें क्या करना है, पॉलिश करना है, तो 9310 × 20, ठीक है, प्लस 1850 × 20, ठीक है। अच्छा, आप पेंट का निकालते हैं, इसे कैलकुलेट करना, इतनी देर में हम पेंट का भी निकाल लेते हैं, पेंट कौन से हमें करना है, इंटरनल को, ठीक है, इंटरनल डायमेंशन क्या है, इंटरनल डायमेंशन आर, अभी दो तो हमने निकाल लिए, दो क्या है, एक 100, दूसरा 85, एंड देन अगर मैं दोनों साइड से हाइट्स पे भी 5 5 माइनस करूँ तो 25 - 10 = 50, तो इसमें हाइट आ गई, सॉरी ये आ गई 50, तो लेंथ 100, ब्रेथ 75 एंड हाइट 50। अब इसका भी निकाल लेते हैं हम, इसमें भी मुझे वही करना है, सी एस ए प्लस एरिया ऑफ वन फेस, ठीक है, या बैक फेस, ठीक है, तो दिस इज इक्वल्स टू 2HL + B + LB, तो 2 इंटू हाइट कितनी है, हाइट इज 15 प्लस 100 प्लस 75 प्लस 100 इंटू 75, दिस विल कम आउट टू बी 30 × 175 + 7500, वो भी तो फेस है ना, देखो पीछे तीनों साइड की तो ले ली हमने, देखो ये फेस ले लिया, ये फेस ले लिया, लेकिन फ्रंट में ये पार्ट भी तो है जो कि एक्सटर्नल पार्ट ही है ना, yes, इसीलिए उसके लिए मैंने सर पर बाउंड्री का लिया या फिर हमने अंदर वाला लिया है? क्या तुमने बाहर का ही लिया, ये बस बाहर का लिया, ये जो पार्ट देख रहे हो ना, जैसे ये कैबिनेट अगर ऐसा दिख रहा है कुछ, मान लो मोटा कैबिनेट लेता हूँ मैं, थोड़ा वुडन का बना हुआ, तो अगर आपके और सारे फेसेस को आप पेंट कर रहे हो, ये वाला फेस पेंट कर रहे हो, ये वाला कर रहे हो, बैक वाला पेंट कर रहे हो, लेकिन ये वाले फेस को भी तो इतना तो पेंट कर रहे हो ना आप, यस सर, वही सर, ठीक है, थोड़ा इनको नहीं लेंगे जो ये बेटा, मतलब इसकी इनफॉरमेशन नहीं दे रखी, दैट इज द ओनली रीजन मैं एक्सक्लूड कर रहा हूं, मेरे हिसाब से एग्जिस्ट ही नहीं करते बिकॉज़ इनके बारे में कोई इनफॉरमेशन नहीं दे रखी, ओके सर, आई हैव मतलब मैंने पढ़ा दो बार बट आई कैन नॉट फाइंड इट, देखते हैं अगर आंसर में डिफरेंस आया तो देखेंगे क्या रीजन है, बट अभी क्या ये कितना है, ये कैलकुलेट करा कितना है, ये 38200+37000, ठीक है, तो कितने हो गए, इन दोनों को ऐड कर देते हैं फाइनल, तो 419000, ठीक है, पैसे, ठीक है, हमें पता है हाउ मेनी पैसेज आर रुपीस,
तब 100 पैसे इक्वल्स टू पैसे 1 रुपी. 1 रुपी, तो 2 जीरो हटा देते हैं, रुपीज 4190. ओके अच्छा, अब ये कैलकुलेट करो, 3 × 175 इज 425. तो 4250 प्लस 7500, ठीक है सर 30 × 175 करना है ना, 4250. फाइव टू फाइव जीरो सर, 5 to 5 0 आएगा. यस 5 to 5 0 आ रहा है. ओके सर, तो 5 to 5 0 प्लस 7500 इज 12,750. या 12,715 क्या है हमारा एरिया रिक्वायर्ड. ठीक है, अगर हम इसकी कॉस्ट निकाले तो ये पेंट की कॉस्ट कितनी थी, 10 पैसे. तो 10 × 12750 दिस विल बी इक्वल टू 12750. ठीक है, एंड देन पैसे है ये, इसको रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए 2 जीरो हटाते हैं, तो 1275 रुपीज. फाइनल कितना है आपके पास, फाइनल आया मान लो ए है बी है, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 4190 प्लस 1275. ओके 4190 प्लस 1275 दिस विल बी कितना हुआ है, 5465 5465. यही आंसर क्या पीछे गलत सर, गलत है. आ रहा है, कितना सिक्स डिफरेंस, टू 7 5 सिक्स टू सेवन फाइव. सभी में कुछ रुको मैं चेक करता हूँ, 1 सेकंड रुको. एक सेकंड रुको. सर फ्रंट फेस का एरिया गलत आ रहा फ्रंट फेस का है, एरिया जो हमने निकाला था ना वो गलत आ रहा है, बिकॉज हमने शायद से 2 होल्स पर 75 × 5 भी तो करेंगे ना सर ऐड. क्या 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 समझा नहीं, मैं ऐड क्यों करेंगे, 5 एक्सटर्नल डायमेंशन दी दे रखी है हमें, एक्सटर्नल डायमेंशन दी दे रखी है, पढ़ो दे, तो हमें एक्सटर्नल डायमेंशन दी रखी है ना, सर बट शायद से हम करेंगे क्या ऐड करेंगे. सर, हमने जो फ्रंट फेस का एरिया निकाला है ना, तो हाँ सर उसमें हम 2 होल्स पर 75 × 5 नहीं ऐड करेंगे. समझा नहीं, मैं यही तो निकाला ना फ्रंट फेस का एरिया 1850. यस सर. हाँ तो इसमें क्या कह रहे हो आप, क्या करना चाहिए. हाँ सर इसमें 2 होल्स पर 75 × 5 भी तो ऐड करेंगे. 2 होल्स को 75 × 5. 1 सेकंड रुको मैं चेक करता हूँ क्या दिक्कत है. ये कैलकुलेशन सही करी है ना हमने सारी. सर एरिया फ्रंट फेस का एरिया गलत निकाला है मोस्ट प्रोबेबली क्या सर, क्योंकि वो सर हम वो ऐड करेंगे तो 2600 आएगा एरिया. 2600, रुक जाए 1 सेकंड, क्या समझा नहीं, मैं आप क्या कह रहे हो, दोबारा फिर एक बार ऊपर करना. ये लो. तो मेरे ख्याल से तो सर सारी लेंगे, सारी लेंगे मतलब तो मतलब हमने इसका जो आंसर आ रहा है सर वो गलत, मतलब गलत यही है, तो बाकी सब सही है. तो अच्छा. मतलब जो हमने साइड छोड़ी अगर है वो भी वो ऐड करनी है शायद.
सर पर हम फ्रंट फेसर ऐड भी कैसे कर सकते हैं, मैं तो उसका डायमेंशन ही नहीं पता। 5 सेंटीमीटर दे तो रखी है उन्होंने, 5 सेंटीमीटर हर साइड से। नहीं सर पर वो जो पतली सी जो लाइन है बीच में, इसका वही तो मैं कह रहा हूँ, उसका एरिया क्यों ले रखा है वो मुझे पता ही नहीं, बिकॉज उन्होंने इसके बारे में कुछ। यस सर वो ऐड ही हम हमको नहीं, देखो डायमेंशन मैं नहीं जहां पता। पे इनके आंसर देख रहा हूँ ना, इन्होंने जिस हिसाब से दे रखा है दैट रिक्वायर्स कि आप एक सेकेंड, इसके भी इंक्लूड कर दिया उन्होंने, ठीक है अलग अलग सेक्शंस के, बट इनके बारे में इन्फॉर्मेशन दोबारा पढ़ते हैं, देखते हैं अगर इन्फॉर्मेशन है। वुडन बुकशेल्फ हैज एक्सटर्नल डायमेंशन हाइट एंड द थिकनेस ऑफ प्लैंक इज 5 सेंटीमीटर एवरीवेयर, एक्सटर्नल फेसेस आर टू बी पॉलिश्ड एंड द इनर फेसेस आर टू बी पेंटेड। नहीं दिया बेटा कि मतलब ऑल आई कैन डू इज एक्सपेक्ट कि ये 3 इक्वल पार्ट्स है, ठीक है, एंड देन 3 इक्वल पार्ट्स है तो फिर 110 डिवाइड होता है क्या 3 इक्वल पार्ट में? नो सर वो भी नहीं होता। चलो मैं देखता हूँ, उसको फिगर आउट करता हूँ अभी के लिए, मतलब जो बेसिक जो तरीका कर रहे हैं हम तो सही कर रहे हैं, अगर इन्होंने इनको इंक्लूड कर रखा है जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फिर गलत है। आई विल फिगर आउट, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट देखते हैं। आई रियली होप नेक्स्ट में भी ये ऐसी कोई फंडामेंटल दिक्कत ना हो। सर हमने सिर्फ 3 साइड ली है, हमने चारों, ये देखो ये साइड नीचे, ये साइड एंड पीछे भी लिया है, एंड देन ये एक्सटर्नल फेस ऐड करा है एंड इंटरनल पेंट के ऐड करा है, हमने तरीका तो बिल्कुल सही करा है, एंड आई होप कैलकुलेशन भी हमारी सही होगी तो फिर आई डोंट थिंक कुछ गलती है। अगर ये इसे भी इंक्लूड करते हैं जो बीच में प्लैंक्स दे रखे हैं तो फिर केस चेंजेस, एंड देन उसके अकॉर्डिंग अगर आंसर होगा फिर तो बहुत डिफरेंट है, कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। एनीवेज मैं देखता हूँ, फिगर आउट करता हूँ, उसको आपसे शेयर करूंगा जो भी आंसर होगा जिन भी बेसिस अजम्पशंस पे उन्होंने करा हो, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, सेकंड, द फ्रंट कंपाउंड वॉल ऑफ अ हाउस इज डेकोरेटेड बाय वुडन स्पेयर्स ऑफ 21 सेंटीमीटर प्लेस्ड ऑन स्मॉल सपोर्ट्स आर शोन इन द फिगर, ओके। 8 such spheres are used for the purpose and are to be painted silver. Each support is a cylinder of radius 1.5 centimeter and a height 7 centimeters to be painted black. Find the cost of the paint if the silver paint is 5 paise and black paint costs 25 paise and 5 paise. अच्छा ठीक है देखते हैं, तो एक का निकाल लेते हैं, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे है ना, एक yes, का निकाल लेते हैं 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, yes, तो ये एक स्पेयर है और ये किस अटैच्ड है, एक सिलेंडर से, ठीक है एक सिलेंडर से अटैच्ड है, ओके। तो एक बात तो बहुत क्लियर है, अगर ये सिलेंडर से अटैच्ड है तो सबसे पहले हम स्पेयर का अगर एरिया निकाल ले टीएसए, ठीक है टीएसए में से माइनस कर दूंगा मैं एरिया ऑफ वन फेस ऑफ सिलेंडर, अगर ये एक्यूरेट है तो ये होना चाहिए, बिकॉज अगर मैं इतना बड़ा स्पेयर है इसके ऊपर एक सिलेंडर यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ तो ये वाला एरिया तो मुझे सिल्वर पेंट करने की जरूरत नहीं है, क्लियर है सबको ये? पर वो सिलेंडर का पार्ट तो स्फीयर के अंदर है थोड़ा। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, वो अटैच अगर मैं उस पर कर रहा हूँ तो आई डोंट थिंक करना चाहिए, बट हम कैलकुलेट करेंगे अगर डिफरेंस है आंसर में तो हम बिना उसके कर लेंगे, बट लॉजिकली दिस शुड हैपन। एनीवेज तो टीएसए निकालते हैं इसका, दिस इज 4πr², ठीक है 4πr² विच इज 4 × 22/7 इंटू रेडियस ऑफ स्फीयर कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर, 21/2 तो 21/2 इंटू 21/2 ठीक है 7 × 3 = 21, 2 × 4 कट गया तो दिस इज 22 × 3 × 21 ठीक है 66 × 21 कितना आ रहा है सर 1386 आएगा 1386 ओके 1386 दिस इज 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर ओके। अच्छा अब हम बात करते हैं सिलेंडर की, सिलेंडर की बात करते हैं तो सिलेंडर में क्या दे रखा है, सिलेंडर में मुझे एक फेस तो स्फीयर से कवर्ड है करेक्ट, चलो सिलेंडर का भी टीएसए निकाल लेते हैं ठीक है, सिलेंडर का भी टीएसए निकाल लेते हैं, सिलेंडर का टीएसए कितना है, सिलेंडर का टीएसए 2πr(r+h) करेक्ट, यस सर ओके, या फिर ऐसा करते हैं सिलेंडर का सिर्फ वो निकालते हैं सीएसए, सर सीएसए निकालते हैं सिलेंडर का, क्योंकि अगर वो
जॉइंट होएगा तो नीचे से भी तो जॉइंट ही होगा। हाँ तो सी एस ए निकालते सिलेंडर का, तो सी एस ए सिलेंडर कितना आएगा देखते हैं, पाई 2πRh, तो 2 × 22/7 × रेडियस कितना है इसका, रेडियस ऑफ 1.5 × 15/10 इंटू हाइट कितनी है 7 सेंटीमीटर सेवन से सेवन कट गया ठीक है, दिस इज 5 ठीक है, तो दिस इज 66 ओके सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है। यस सर, तो 1386 इंटू कितना है इसका कॉस्ट 25 पर पैसे ठीक है इंटू 25 एंड 66 का कितना कॉस्ट है 5 ठीक है ओके, तो हाँ इंटू होल के साथ 8 होगा, चेक करते हैं कितना है, तो 8 × 1386 × 25 कितना हुआ। अच्छा जब भी किसी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करना होता है उसका एक और आसान तरीका होता है 1386 इंटू 4 कर दो ठीक है, इंटू 4 कर दो, अच्छा सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, 1386 डबल जीरो, दो जीरो लगा दो एंड डिवाइड बाय 4 कर दो, 4 से डिवीजन तो आसान है, तो दिस इज 4 या 12 उसके बाद 4 4 जा 16 फिर 26 4 2 6 6 जा 24 एंड 4 5 जा 20 3 6 3 4 6 34,650 प्लस 66 इंटू 5 कितना हुआ जल्दी बताओ, 66 इंटू 5 कितना हुआ 3330 सही है ना, तो 330 प्लस 8 इंटू 8 ये इन दोनों को प्लस करते हैं कितना हुआ है 34,34,980 इंटू 8 आंसर आएगा कैसे, चलो चेक करते हैं देखो कितना आ रहा है कैलकुलेट करना एक बार, सर 279,890 279,890 यस सर, पैसे में है तो ये हो जाएगा 2798.90 अच्छा सर 279,840 होगा सर, 4 होगा 4 84 होगा, मतलब कैलकुलेशन यही आ रही है क्या आ रही है कैलकुलेशन करके सर, ये जो आंसर है 279,890 हाँ उसकी जगह 279,840 होगा 279,840 अच्छा, तो इसमें भी 4 पॉइंट्स अगर शिफ्ट कर दूंगा कितना, 2 पॉइंट अगर करूंगा कितना आएगा 2798.40 ये आंसर दे रखा है पीछे चेक करो 2784.26 अच्छा एक बार चेक करता हूँ मैं, कुछ गलती करी अगर हमने तो, हमने माइनस नहीं करा था ना स्फीयर के एरिया में से, वो ठीक है सर, सीएसए ऑफ स्फीयर माइनस एरिया ऑफ सर्कल होगा ना, क्या सीएसए ऑफ स्फीयर माइनस, हाँ मतलब सर्कल का एरिया हमने माइनस नहीं करा, माइनस करके देख लेते कितना डिफरेंस आएगा, तो पहले जो भी डिफरेंस आएगा 8 से मल्टीप्लाई करना है, 8 × πr² 2 × 22/7 × r कितना था 1.5 ना, यस 7.5 स्क्वायर इनटू 1.5 ओके, ये कितना आ रहा है कैलकुलेट करो एक बार, इनटू वो भी करना होगा लेकिन पर पैसे कितने थे उसके 7.0 कितना रहे? एक बार चेक कर लेता हूँ, आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो, 8 ×
हाँ बोलो सर, जो हमें 8 × वो कर रहे हैं वो स्फीयर के एरिया में से माइनस करेंगे। हाँ उसमें से माइनस कर रहा हूँ, एक सेकंड रुको, मतलब फाइनल आंसर में से माइनस कर रहा हूँ मैं, सीधा अमाउंट है ना, अगर मैं इसमें से कितना है हमारा आंसर 227 तो भी था, ठीक है इसमें से 279840 माइनस 2828 ठीक है ये माइनस कर दूं अगर, ठीक है तो कितना आएगा 282790 2829 दिस इज वन ओके दिस ये भी नहीं आएगा डिफरेंस, आई डोंट नो मतलब ये डिफरेंस थोड़ा सा क्यों आ रहा है, बट एक बार चेक कर लेता हूँ एग्जैक्टली हमने किसी स्टेप पे कुछ गलत कैलकुलेशन तो नहीं करी है, कोई स्टेप मिस करा है। 8 × CS से सर बुक के पीछे भी अप्रोक्स दे रखा है, अप्रोक्स दे रखा है बट फिर भी हमारे कितने रुपीज का डिफरेंस आ रहा है 2798 एंड उसका 2784 है तो अप्रोक्सीमेटली कितने रुपए का डिफरेंस आ रहा है काफी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, थोड़ा सा कोई स्टेप नहीं एरर है, एक बार चेक कर लेते हैं। सर 8 × CSA ऑफ सिलेंडर करेंगे ना, 8 × हाँ CSA ऑफ सिलेंडर ही करा है हमने और क्या करा हमने, ये देखो ये CSA ऑफ सिलेंडर करा है हमने यहाँ पे, तो सर 8 × 2 × 22/7 हाँ और फिर × 1.5 हाँ तो सही तो कह रहे, यही करा हमने सर। हमारा आंसर क्या है, हमारा हमने 66 है हमारा, 66 × 8 कर कितना आया 528 यही है मतलब, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है इसमें 528। तो सर फिर उधर लिखा था कि ब्लैक पेन निकालना है तो सर 528 × सर तो कॉस्ट निकालेंगे ना, तो ब्लैक कलर की कॉस्ट निकालेंगे। हाँ बेटा 66 × 5 इसलिए तो कह रहा है मैंने, नहीं सर वो तो एरिया है ना, 5/100 होगा, चलो 528 × 6 करो तुम, सॉरी × 8 निकाली तो हाँ × 5 करो कितना आया सर, 100 भी तो लेंगे क्या 5/100। अरे बेटा बाद में रुपीस में कन्वर्ट कर लियो, पहले पैसे में तो निकाल सर 2640 2640 है ठीक है 2640 अच्छा 2640 पक्का इतना ही आ रहा है, यस सर ओके 2640 आ जाएगा सर, वो 100 में करने के बाद 26.40 हो जाए, 26.40 है ओके एंड देन अब इसके लिए कैलकुलेट करो 1386 × कितना करना है हमें 1386 × हमें 1386 × 8 करना है हमें × 25 करना है करेक्ट, या फिर सिंपली 1386 × 200 करना है हमें तो ये कितना हो जाएगा 1386 × 2 इज बोलो सर 277200 277200 ठीक है, और ये रुपीज में है तो ये पैसे में करेंगे तो डिवाइड बाय 100 सॉरी ये पैसे में रुपीज में करेंगे डिवाइड बाय 100 दिस इज 2772 ओके 2772 प्लस 26.4 कितना हुआ 2772 प्लस 26.4 बोलो 2798 लास्ट क्वेश्चन तो हो गया होगा ना, लास्ट क्वेश्चन तो आसान है सर, हमें सिल्वर पेंट का भी तो एरिया निकालना है, क्या सिल्वर का ही तो निकाला है बेटा, जब उसके लिए स्फीयर का कह रहा है मैंने, जो 25 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ मैं, इसलिए तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ,
समझे, मे बी हमने किसी पॉइंट पे कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, आई विल फिगर आउट। तो सर वो 8 से करेंगे ना मल्टीप्लाई? क्या सर सिल्वर का निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई भी तो 8 से करेंगे ना? 8 से ही मल्टीप्लाई करा है यहां पे सर। एक बार थर्ड भी करा दो सर, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ स्फीयर इज डिक्रीज बाय 25%। द डायमीटर ऑफ स्फीयर इज डिक्रीज बाय, एक बार मैं आपको दोनों का क्वेश्चन की कैलकुलेशन करके दूंगा, मैंने आपसे मेजॉरिटी कैलकुलेशन आपसे कराया पिछले दो क्वेश्चन में, एक बार मैं करके भेजूंगा उसके बाद चेक करना। ओके, द डायमीटर ऑफ स्फीयर इज डिक्रीज बाय 25%। ओके, मान लो पहले उसका डायमीटर, ठीक है, पहले उसका डायमीटर डी था, तो अब कितना हो गया है, डी माइनस 25/100 ऑफ डी। ठीक है, मतलब बेसिकली ये हो गया है 75/100 डी या फिर 3/4 डी। अच्छा, तो बाय व्हाट परसेंटेज कर्व सरफेस एरिया डिक्रीजेस, ठीक है। अच्छा, तो सी एस ए या फिर टी एस ए सेम होता है स्फीयर में, ठीक है, तो हम देखते हैं कितने परसेंटेज से डिक्रीज हुई है, उसके लिए हम निकालते हैं न्यू कर्व सरफेस एरिया है कितना। ठीक है, तो न्यू कर्व सरफेस एरिया, न्यू सरफेस एरिया डिवाइड बाय ओल्ड सरफेस एरिया करते हैं, तो न्यू सरफेस एरिया कितना होगा, अगेन 4πr² डिवाइडेड बाय ओल्ड सरफेस 4πr, दूसरा आर लेते हैं, पुराना जो आर था आर स्क्वायर, ठीक है, इसको देखते हैं, 4π कट गए तो आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। अच्छा, स्मॉल आर स्क्वायर क्या होगा, ठीक, देखते हैं, अगर डी क्या है, 3/4 ऑफ डी है, ठीक है, पहले डी कितना था, ये डी इज आर कितना होता है, आर इज इक्वल्स टू डी बाय 2, तो हमारा जो पुराना आर था वो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर था वो क्या होगा, डी बाय 2, एंड जो नया आर है वो क्या हो जाएगा, इस पूरे के डिवाइड बाय थ्रू 3/4 डी डिवाइड बाय 2, तो आर इज इक्वल्स टू 3/8 डी। ओके, इसमें वैल्यू डाल देते हैं, तो 3/8 डी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी बाय 2 होल स्क्वायर। ओके, सॉल्व करते हैं, तो 9/64 डी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर बाय 4, ठीक है, डी स्क्वायर कट गए, 4 सर 416 सर, तो 9/16 आ गया, ठीक है, 9/16 आ गया, तो 9/16 इज व्हाट परसेंटेज, ठीक है, ये क्या हो गया, अब ये देखो सोच, न्यू सरफेस एरिया क्या हो गया, 9/16 ऑफ ओल्ड सरफेस एरिया हो गया, ठीक है, 9/16, हमें बस बेस को 100 बनाना है, अगर मुझे बेस को 100 बनाना है तो मैं क्या करूंगा, अच्छा चलो डिवाइड करो, इसे डिवाइड करो कितना आता है बताओ, 9/16 × 100 कितना है, ओके सर, 9/16 × 100 कितना है बताओ, हाँ तो ये तो यही हुआ ना, 56.25, ये कितना है, ये देखो ये इतना हो गया, तो डिक्रीज कितना हुआ, 7/16 हो जाएगा ना डिक्रीज करने को यार, 56.25, ठीक है, ये कितना हो गया, ओके सर 43.75% डिक्रीज इतना हुआ ना, अब नया एरिया इतना हो गया तो डिक्रीज कितना हुआ, 43% डिक्रीज हो, ठीक है, यस सर, ओके सर, मैं दूसरे दोनों का क्वेश्चंस की एक बार कैलकुलेशन करता हूं फिर आपको भेजता हूं, अभी के लिए बस टी क्लास रखेंगे, थैंक यू सर, ओके बाय बाय, करेक्शन, थैंक यू सर, डाउट से उसकी, ओके, एंड आई विल प्रोबब्ली गिविंग यू असाइनमेंट इन द नेक्स्ट क्लास, बट अभी करेक्शंस कर लेना पुराने सारे क्वेश्चंस, ओके सर, ओके सर, बाय बाय।